देखिए, नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। पाकिस्तान के जो टेस्ट कैप्टन है शान मसूद, उसने ग्राउंड स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दी थी कि मुझे पिच ऐसी चाहिए, यानी उसका मतलब था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया में पिचेस होती हैं वैसे मुझे पाकिस्तान में भी पिच चाहिए, वो भी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। ग्राउंड स्टाफ ने बात तो मान ली, लेकिन जो पिच बनाई गई ऑस्ट्रेलिया के जैसे, वो सिर्फ और सिर्फ 10 ओवर के लिए बनाई गई थी। ऑस्ट्रेलिया में पांचवें दिन भी सेम पिच रहती है, बाउंस हो रहा होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान के जो ग्राउंड स्टाफ थे उन्होंने कॉपी अच्छी की, सिर्फ और सिर्फ 10 ओवर के लिए कॉपी कर सके वो। बाद में फिर पिंडी ने अपनी असल शक्ल इख्तियार कर ली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से अब मैं इसको रेस्क्यू कहूँ या ना कहूँ, या फिर पिच का इसमें फॉल्ट था, क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। साउथ शकील की बैटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अच्छी बात है। मोहम्मद रिजवान को के लिए भी दांत बनती है, क्लैपिंग फॉर हिम। इन दोनों ने पाकिस्तान टीम को खड़ा किया, एक अच्छा टारगेट की तरफ लेकर गए, और साथ में थोड़ी बहुत अच्छी इनिंग के लिए साइम अयूब ने भी बहुत टाइम के बाद। पाकिस्तान ने जो 113 ओवर में 448 रन बनाए हैं, इसमें पाकिस्तान की जो बैटिंग रन रेट थी वो ऑलमोस्ट 4 की थी। साउथ शकील, गुड यार, वेल प्लेड, अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला एक्चुअली। और ये लड़के का पता है एटीट्यूड भी ठीक है, ये खेलता अच्छा है, फोकस से खेलता है, ज्यादा हवाबाजी नहीं करता। गुड गुड सेंचुरी बाय साउथ शकील एंड वेरी गुड सेंचुरी बाय रिजवान एंड वेरी गुड कीपिंग बाय लिटन दास। फिटे मुंह, बेहतरीन। सुपर चैट दिखा देना, बावर भी सोच रहा हूं। मार्क माय वर्ड्स, मेरे टाइम में डाइव लगा के कैच पकड़नी थी। आप सभी कैच वैच जंपिंग सब छोड़ रहा है। लेकिन यहां पर साउथ शकील और मोहम्मद रिजवान ने जो रन किए हैं, सेंचुरी बनाई है, अगर इसकी जगह पर बाबर आजम ने सेंचुरी की होती, यकीन मानो सोशल मीडिया पर एक किस्म की जंग छिड़ जानी थी। लेकिन बाबर आजम के लिए और है सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म, रिजवान और साउथ शकील के लिए और है। रिजवान को हमेशा कैप्टेंसी से भी साइलेंट किया जाता है, मीडिया की इतनी इंस्ट्रक्शन भी नहीं दी जाती उसको, और ना वो मीडिया पर इतना आता भी है। उसकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट हर मैच में होती है, कुछ मैच ऐसे जिसमें वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहे होते। मैं यहाँ पर बाबर आजम के अगेंस्ट नहीं बात कर रहा, लेकिन ये इतना ज़रूर बता रहा हूँ कि मोहम्मद रिजवान अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। साउथ शकील के रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, पाकिस्तान की तरफ से फास्टेस्ट 1000 रन बनाने वाला है, और स्ट्राइक रेट आप उसका चेक करें, मोहम्मद रिजवान का स्ट्राइक रेट चेक करें, इवन शाहीन अफरीदी का स्ट्राइक रेट चेक करें आप, जो उसने लास्ट में आकर बैटिंग की थी, 120 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी, जैसे T20 का मैच चल रहा हो। लेकिन जो हाइप बाबर आजम को दी जाती है मीडिया पर, वो हमारे दूसरे क्रिकेटर्स को नहीं दी जाती, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, अगर आप इस बारे में जानते हो कुछ तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है, पाकिस्तान के जितने भी क्रिकेट के फ़ैन हैं वो पाकिस्तान की टीम के जितने भी प्लेयर हैं उनसे खफा हैं, वो इस वजह से कि अगर ये रन मोहम्मद रिजवान के और साउथ शकील के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, साउथ अफ्रीका के, इंग्लैंड के ये रन आए होते तो पाकिस्तानी अवाम बहुत खुश होती है। लेकिन ये रन आए हैं वर्सेस बांग्लादेश के, और वो भी होम कंडीशन में इतने रन बनाए हैं, और वो भी पिंडी की पिच पर खेलना आप सभी जानते हैं, हर बैट्समैन का एक ख्वाब होता है, काश मेरा डेब्यू पिंडी की पिच पर हो जाए, काश मेरा डेब्यू अगर कोई बैट्समैन है पिंडी की पिच पर हो जाए। हाँ, बॉलर है वो पनाही मांगेगा पिंडी की पिच से कि भाई मुझे दूर ही रखा जाए। पिंडी की पिच वैसे की वैसे ही है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आया, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर एक दो पिक्चर बनाई और डाल दी कि भाई इस दफ़ा ग्रास वाली पिच है, बाउंस बहुत ज़्यादा होगा, हम सारे पेसर से जा रहे हैं, ये प्लाना कितने मीडिया पर हाइप दी जा रही थी कि स्टंडर की पिच बनाई गई है, ऑस्ट्रेलिया के मुताबिक पिच बनाई गई है, लेकिन कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया की बातें ही थी और इसमें कुछ खास नज़र नहीं आया। जो लोग भी लाइव मैच देख रहे हैं उनको अच्छे से पता है बॉल में इतना ज़्यादा वो टर्न बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। बेशक आप पहले 20 ओवर को निकाल के देख लो बॉल के, इसका ये मतलब नहीं है टपक आया तो वो वाइट ही चली गई है, इतनी टर्न बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। हाँ, हल्का बहुत थोड़ा बहुत मूवमेंट था, लेकिन सेम पिच थी, उसमें कोई फ़र्क नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया पर बातें ही थी। दोस्तों, पाकिस्तान की इस टीम की परफॉर्मेंस पर आप क्या कहते हैं? पाकिस्तान टीम ने ये टोटल तो कर दिया है, लेकिन बांग्लादेश अभी तक, जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई खिलाड़ी उसका आउट नहीं है, और बांग्लादेश का ये स्कोर है। पाकिस्तान और बांग्लादेश का ये जो टेस्ट है डे टू को आप कैसे देखते हैं? इसमें जैसे शाहीन शाह अफरीदी एंड पर आकर बैटिंग कर रहे थे, अगर पाकिस्तान टीम को डिक्लेयर करना ही था तो
तो फिर खुलकर खेलते जैसे T20 में खेला जा रहा था, जैसे शाहिनशाह अफरीदी एंड में आकर बैटिंग कर रहे थे, मोहम्मद रिजवान भी वैसे बैटिंग करते और जो दूसरे प्लेयर थे वैसे भी बैटिंग करते, लेकिन पाकिस्तान का जो कैप्टन है नए उसने पहले डिक्लेयर कर दिया। हो सकता है पाकिस्तान के जितने भी बॉलर्स हैं उनको एक रिलैक्स फील हो, अभी कुछ ओवर कराएंगे फिर रेस्ट करेंगे, कल को फिर फ्रेश होकर आकर बॉलिंग करवाएंगे, हो सकता है वो उन लोगों को आउट कर दे। इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।